हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं भीमबेटका की गुफाएं घूमने के लिए। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में रातापानी के जंगलों में बनी हुई हैं। अभी हम लोग NH-12 होशंगाबाद रोड पे खड़े हैं, जो कि नेशनल हाईवे है। आपको इस हाईवे से रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तब आप भीमबेटका की गुफाओं तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भीमबेटका की गुफाएं घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप अपने स्वयं के साधन से ही यहां पर आइएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी साधन आपको हाईवे से लेके भीमबेटका की गुफाओं तक नहीं मिलने वाला है। नेशनल हाईवे से लेके गुफा के रास्ते तक के बीच में किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चलाया जाता है। आपको ये दूरी खुद ही तय करनी होगी, इसीलिए आप अपने स्वयं के साधन से ही यहाँ तक आएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक कंप्लीट जर्नी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक एक गुफा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और हर एक गुफा को बहुत ही आराम से विजिट करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता नेशनल हाईवे से भीमबेटका की गुफाओं तक जाता है। पहले हमें टिकट काउंटर पे टिकट लेना होगा, उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। नेशनल हाईवे से भीमबेटका की तरफ जाने पर आपको इसी तरह से एक छोटा सा गांव दिखाई देता है और आसपास खेत दिखाई देते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप भीमबेटका की गुफाएं घूमने के लिए यहां पर आना चाहते हैं तो आप बारिश के मौसम की शुरुआत में या फिर एंड में आइए। बारिश के मौसम में यहाँ पर चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है, यहाँ चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर सर्दियों के मौसम में भी आ सकते हैं। सर्दियों का टाइम भी एक अच्छा समय माना जाता है भीमबेटका की गुफाएं घूमने के लिए। अभी हम लोग टिकट काउंटर पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे अपने गाड़ी का टिकट। यहाँ पर जो टिकट दिया जाता है वो गाड़ी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को टिकट लेना कंपलसरी है। तो आपको एक बार टिकट के यहाँ पे प्राइजेस भी मैं बता देता हूँ। अगर आप 2-व्हीलर से आते हैं तो आपको 50 रुपीज़ देने होंगे, और अगर आप कार से आते हैं तो आपको 150 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज देने होंगे। दोस्तों, अगर आप कार से यहाँ पर आते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 लोग होना चाहिए, और अगर 2-व्हीलर से यहाँ पर आते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 लोग होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ऑटो का भी क्राइटेरिया सेट किया गया है। अगर आप ऑटो से यहाँ आते हैं तो आपको ऑटो के अंदर मात्र 3 सवारी को रखना होगा, और उसके अलावा ऑटो का जो चार्ज है वो 100 रुपए आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर किसी बड़े वाहन से आते हैं, जैसे कि बस या फिर किसी बड़ी ट्रेवलर से, तो आपको यहाँ एंट्री के लिए 300 रुपए देने होंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनमें जंगल के अंदर आग जलाना मना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ बिना अनुमति के घुसते हैं या फिर हथियार लेकर एंट्री करते हैं तो उस पे आपको 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो आपको यहाँ पर एंट्री करते समय इन सभी नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर एक नियम और भी है कि जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का हॉर्न नहीं बजाना है। ये नियम इसलिए बनाया गया है जिससे कि रातापानी अभ्यारण्य के अंदर जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। रातापानी के ये जंगल बाघ, तेंदुए, बंदर और कई प्रकार के जानवरों के लिए रहने का स्थान है। इस क्षेत्र में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण यहाँ पे रहने वाले जानवरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए आप जैसे ही इस क्षेत्र में आए आपको इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना मना है। भीमबेटका की गुफाएं सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। दोस्तों, अभी आपको आसपास का व्यू दिखाई दे रहा होगा, ये काफी अच्छा व्यू लगता है यहाँ पे। अभी हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं बनी हुई हैं। आसपास का ये व्यू और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है जब आप बारिश के मौसम में उसके बाद यहाँ पर आते हैं। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। अभी हम जिस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये आसपास का जो क्षेत्र है ये सब बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पे बलुआ पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने बनी हुई है। पूरा का पूरा पहाड़ बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों, गर्मियों के सीजन में आप यहाँ पर आना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ये जो चट्टाने हैं बहुत गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास लू चलती है। लेकिन अगर आप गर्मियों के सीजन में यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सुबह के समय पे आइए। सुबह के समय पे यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। दोस्तों, ये पूरा रातापानी का क्षेत्र है, तो शाम को यहाँ पर जानवरों के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, इसीलिए 5 बजे के बाद इस पूरे एरिया को बंद कर दिया जाता है, और जो लोग अंदर विजिट करने के लिए गए होते हैं उन सभी को बाहर निकाल दिया जाता है शाम को 5 बजे के बाद। दोस्तों, भीमबेटका की ये गुफाएं विंध्याचल पर्वत का ही एक हिस्सा है, जो कि विंध्याचल पर्वत की दक्षिण दिशा में तलहटी में बनी हुई है। भीमबेटका की ये गुफाएं होशंगाबाद रोड NH-12 से आपको कई किलोमीटर पहले से ही दिखाई देने लग जाती हैं।
भीम बैठिका की ये सभी गुफाएं बलुआ पत्थरों से बनी चट्टानों में बनी हुई हैं। भीम बैठिका की दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां खत्म हो जाती हैं और वहां से सतपुड़ा पर्वतमाला की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। भीम बैठिका की गुफाएं प्रमुख रूप से 5 से 6 बड़ी चट्टानों का समूह है। यहाँ पर 21 प्रमुख गुफाएं हैं जो कि पर्यटकों को देखने के लिए खुली रखी गई हैं और ये सभी गुफाएं आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर चारों तरफ ऐसे बहुत से पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो कि बिना मिट्टी के चट्टानों के ऊपर ही उगे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है कि बिना मिट्टी के ही यहाँ चट्टानों के ऊपर ही पेड़ उग गए हैं। भीम बैठिका की इन गुफाओं की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने सन 1957-58 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सन 1990 में भीम बैठिका के इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्थल का धरोहर घोषित किया। उसके बाद यूनेस्को ने जुलाई 2003 में भीम बैठिका के इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। यहाँ पर प्राचीन गुफाओं के अलावा और भी बहुत से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें किले की पुरानी दीवारें, कुछ छोटे स्तूप, गुप्त और शुंग वंश के कुछ अभिलेख और परमारकालीन मंदिरों के कुछ अभिलेख भी यहां से मिले हैं। दोस्तों, आप जब इस रास्ते पे आएंगे तो आपको यहां पर वीडियो बनाने और सेल्फी लेने के लिए ऐसे बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि यहां रुक के आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करनी चाहिए। दोस्तों, भीम बैठिका का नाम महाभारत के केंद्र बिंदु रहे पांडवों में से दूसरे नंबर के भाई भीम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि अपने अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आए थे और कुछ समय तक यहीं पर रुके थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ भीम बैठिका की गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनी हैं, उनका भीम या महाभारत काल से कोई भी संबंध नहीं है। ये सारी पेंटिंग महाभारत काल के पहले की बताई जाती हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप खुद के ही व्हीकल से यहाँ पर आइए। आप खुद के साधन से यहाँ आएंगे तो आप आसानी से भीम बैठिका की गुफाओं तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये रास्ता इतना लंबा है और आसपास चारों तरफ जंगल ही हैं। वैसे तो यहाँ मुख्य रूप से 21 गुफाएं ही देखने को मिलती हैं, लेकिन भीम बैठिका के इस पर्वत क्षेत्र में बलुआ पत्थरों से बनी 600 से ज्यादा चट्टानें यहाँ पर हैं और उन 600 चट्टानों में 250 से ज्यादा पेंटिंग्स बनी हुई हैं। भीम बैठिका के इस क्षेत्र में लगभग 130 शैलाश्रय बनी हुई है, जिन्हें की हम रॉक शेल्टर्स भी कहते हैं। यहाँ पत्थरों पर बनी हुई पेंटिंग्स के आधार पर भीम बैठिका को आदिमानव काल का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में भीम बैठिका से जुड़ी हुई हर एक चीज दिखा रहे हैं, जिसमें कि ये रास्ते भी शामिल हैं। यहाँ आसपास का व्यू भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ आपको आसपास बहुत से बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे जहाँ आपको ये पता चलेगा कि इन जंगलों में कौन कौन से जानवर रहते हैं। दोस्तों, भीम बैठिका की गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उनमें मुख्य रूप से इंसानों को भी दर्शाया गया है, साथ ही उसमें नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। उसके अंदर पशु और पक्षियों के चित्र भी बने हुए हैं, साथ ही उसमें युद्ध को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हाथी और घोड़े की सवारी करने वाले मानव के चित्र हैं, साथ ही यहाँ बाघ, शेर, जंगली सुअर और घड़ियालों जैसे जानवरों के चित्र भी बने हुए हैं। यहाँ सभी चट्टानों पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए जिस कलर का यूज किया गया है, उस कलर को खनिज से बनाया गया है। खनिज, जिसे कि हम इंग्लिश में मिनरल्स भी बोलते हैं, तो मिनरल्स और कुछ जड़ी बूटियों का यूज करके इन कलर्स को बनाया गया है। साथ ही इनमें प्रमुख रूप से जो कलर्स हैं, उनमें हरे, सफेद, लाल और पीले रंग का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अपनी यात्रा की शुरुआत से अभी तक मैंने आपको भीम बैठिका का एक बेसिक इंट्रो बता दिया है। इसमें मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि भीम बैठिका की ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ पे आपको कितना चार्ज देना होता है विजिट करने के लिए, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे आपको किन नियमों का पालन करना है। दोस्तों, ये सभी इन्फॉर्मेशन देते देते हम लोग पहुंच चुके हैं भीम बैठिका के मेन गेट तक। पहले यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर पार्किंग की सुविधा दे दी गई है, तो आप यहां पर आकर आराम से अपनी गाड़ी को एक साइड में यहां पार्क कर सकते हैं। यहां पार्किंग करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होता है, आप यहां पर फ्री में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी ये पार्किंग और उसके आसपास का व्यू आप लोग देख सकते हैं और यहां से आगे अब मैं आपको सभी गुफाओं के पास लेकर जाऊंगा और वहां पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उस गुफा से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप इस वीडियो को पॉज करके शिलालेख पे लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं।
दोस्तों एंट्री करते ही आपको यहाँ पर एक पहला शिलालेख मिलता है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लगा हुआ है। पर क्या जानकारी दी गई है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर जो जानकारी लिखी है उसमें ये लिखा गया है कि भीमबेटका की ये गुफाएं भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये भोपाल से दक्षिण पूर्व की दिशा में बनी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि भीमबेटका की ये गुफाएं आदिवासी गांव भियापुर के पास बनी हुई हैं। इसके अलावा जंगल में कौन कौन से जानवर हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है उसमें ये बताया गया है कि इसकी खोज किसने की, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी। सन 1957-58 में उन्होंने ये खोज की थी। यहाँ पर जो सबसे पुरानी गुफा बताई जाती है और जो उस पर पेंटिंग बनी हुई है वो 10,000 साल पुरानी बताई जाती है। पर जो पेंटिंग्स हैं वो स्टोन एज की पेंटिंग्स हैं जिन्हें कि हम पाषाण युग कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रमुख गुफाओं तक जाने का नक्शा बना हुआ है जो कि आकर आप यहाँ देख सकते हैं। आपको पहले कौन सी गुफाएं देखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इस चट्टान के ठीक सामने एक और चट्टान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसमें ये बताया गया है भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह से आदिमानव अपने आप को उन्नत करते गए। यहाँ पर उन सभी बातों को पेंटिंग के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि किस प्रकार से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिमानव काल की जो संस्कृति थी वो देखने को मिल जाती है। नक्शे को हम अभी देख ही चुके हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि यहाँ कौन कौन सी प्रमुख गुफाएं हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दोस्तों भीमबेटका में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो पत्थरों पे जानकारी लिखी हुई है आप यहाँ आकर अगर उन्हें पढ़ लेते हैं तो आपको किसी और से इस जगह के बारे में जानने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर पत्थरों पे या जिस भी जगह पे जानकारी लिखी हुई है उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी लैंग्वेज में इसे यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं इनके अलावा भी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल यहाँ पर वॉइस इन्फॉर्मेशन का भी इंतजाम कर दिया है पर्यटकों के लिए। इससे उन लोगों को बेनिफिट है जो कि देख नहीं सकते हैं, वो सुनकर यहाँ के इन्फॉर्मेशंस को जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस ब्रेल लिपि में लिखी गई हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो देख नहीं पाते हैं, उन्हें मैं आपको वीडियो में अभी आगे दिखाऊंगा। अभी मैं आपको मेन गेट और उसके आसपास का जो एरिया है उसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पीछे पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ आप अपनी गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको अंदर जाकर बताता हूँ यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ आदिमानव काल की जो जीवन शैली थी उसको इन गुफाओं में दर्शाया गया है। यहाँ गुफा नंबर के साथ में ये बताया गया है कि इन इन गुफाओं में आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में ये रातापानी के जंगलों में बने हुए शैलाश्रय हैं जो कि 22.56 लेटिट्यूड और 77.36 लॉन्गिट्यूड पर बने हुए हैं। यहाँ आपको ब्रेल लिपि में लिखे हुए इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं जो कि यहाँ आके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि यहाँ पर टोटल 700 शैलाश्रय हैं जिनमें से 400 शैलाश्रय को संरक्षित किया गया है। इन 400 शैलाश्रय को 5 पहाड़ियों पर संरक्षित किया गया है जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, विनेका, भोजरावली, भीमबेटका, लाखाज्वार पूर्व, लाखाज्वार पश्चिम। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी आगे हम लोग एक गुफा देखने वाले हैं, उस गुफा को यहाँ पे सभागृह गुफा बोला जाता है जहाँ पर आदिवासी कबीलों के जो सरदार होते थे वो अपनी सभा लगाते थे। उस गुफा को संरक्षित करने के लिए उस गुफा के अंदर लकड़ी की प्लाई लगा करके और किस तरह से उसे मिट्टी से संरक्षित किया गया है कि उसका क्षरण ना हो पाए, वो गुफा वैसी की वैसी बची रहे, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यहाँ पर आसपास बने शैलाश्रयों की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर है और आसपास के जो क्षेत्र हैं समतल क्षेत्र उनसे इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर भीमबेटका की गुफाएं 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि भविष्य में सरकार के द्वारा भीमबेटका के पास ही एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जहाँ पर पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक चीजों का संग्रह किया जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई ये सभी जानकारियाँ आप यहाँ आकर डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो गुफाएं जिनके लिए भीमबेटका बहुत फेमस है। आपको हमारे ठीक सामने बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं बड़ी बड़ी चट्टानों से शुरुआत होती है भीमबेटका के गुफाओं की। दोस्तों यहाँ पर आकर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि आप यहाँ डायरेक्ट मोबाइल से तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े कैमराज या फिर गिम्बल का यूज यहाँ पर करते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी। वैसे यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं वो आपके गिम्बल या फिर ऐसे हाईफाई गैजेट को देख के आपको खुद ही मना कर देते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये सभी एक्चुअल में बलुआ पत्थरों की बनी हुई चट्टाने हैं और इन सभी चट्टानों के अंदर बनी हुई है गुफाएं। इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि ये सभी चट्टाने किसी समय पे करोड़ों साल पहले पानी के डूब क्षेत्र में रही होंगी, जिसके कारण इन चट्टानों का ऐसा आकार हो गया है। दोस्तों बलुआ पत्थरों की ये चट्टाने पास से देखने पर बहुत ही साफ सुथरी दिखाई देती हैं। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि करोड़ों साल पहले नर्मदा नदी का पानी यहाँ पर इस क्षेत्र तक आता था, के कारण इस चट्टान और आसपास के क्षेत्र में पानी भरा रहता था। वैसे आज भी देखा जाए तो होशंगाबाद यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। अभी हम लोग शैलाश्रय 1 और 2 के पास हैं। मैं आपको शैलाश्रय को दिखाऊं, उसके पहले आप यहाँ आसपास का व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है। जब इस क्षेत्र में पानी होगा तो उसकी हाइट कितनी ज्यादा होगी जिसमें ये सारी चट्टानें डूब गई होंगी। आप इन चट्टानों की हाइट को देख सकते हैं कितनी हाइट पर ये चट्टानें हैं और ये पूरी चट्टानें पानी में डूबी रहती होंगी। इन चट्टानों के ऊपर आप जो ये काले रंग देख रहे हैं ये बारिश की वजह से हो सकता है, बारिश की वजह से ये चट्टानें काली पड़ गई हों। आप इस चट्टान के ऊपर देखिए एक पेड़ भी है, ये पूरी चट्टान है पर इसके ऊपर एक पेड़ भी उगा हुआ है। दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं में ये जो फ्रंट का व्यू है ये व्यू देखने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टाने हैं ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आप इस चट्टान की शेप को देखेंगे तो ये किसी बैठे हुए जानवर की तरह दिखाई देता है। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहां आपको देखने के लिए सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने हैं और उन पे बनी हुई आकृतियां हैं। तो आपको हम दिखाते हैं उन रॉक शेल्टर्स को जो कि यहां पर बने हुए हैं। दोस्तों अभी हम लोग जिस चट्टान को देख रहे हैं इसके ठीक नीचे शैलाश्रय 2 बना हुआ है और शैलाश्रय नंबर 2 की डिटेल भी यहां नीचे लिखी हुई है। शैलाश्रय 2 की ऊंचाई 5 मीटर की है और यहां पर जो मानव आकृतियां और जानवरों के चित्र बने थे वो प्राकृतिक कारणों से मिट चुके हैं और इस पत्थर के ऊपर भी इसी इंफॉर्मेशन को लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो चित्र बने हुए थे उसमें मानव आकृतियां बनी हुई थी और कुछ जानवरों के चित्र बने हुए थे। यहाँ पर हर रॉक शेल्टर के सामने नंबरिंग भी की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं शैलाश्रय नंबर 2। यहाँ पर कुछ चित्र बने होंगे दीवारों पर जो कि प्राकृतिक कारणों से अभी मिट चुके हैं, फिर भी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत मिटे हुए कलर्स दिख जाएंगे। बाकी आप अभी इन चट्टानों को देख सकते हैं कि पानी के बहाव के कारण ये किस तरह की आकृति में आ चुके हैं। करोड़ों साल पहले पानी के बहाव के कारण इन पहाड़ों की आकृति इस तरह की हो गई है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पत्थरों पे जो पेंटिंग बनी हुई थी वो कुछ साल तक यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब लगभग मिट चुकी है, इसीलिए इस एरिया को कवर करके रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए चट्टानों में पेड़ उगा हुआ है, ये पेड़ चट्टान में तो उगा है साथ ही ये हरा भरा भी है। दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले शैलाश्रय की तरफ जो कि है शैलाश्रय नंबर 1। शैलाश्रय नंबर 1 को श्री विष्णु श्रीधर जी के द्वारा F23 नाम दिया गया था। इस शैलाश्रय की ऊंचाई 20 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सन 1973 से सन 1976 तक यहाँ पर 4 चरणों में खुदाई की गई थी। उस खुदाई में अशुलियन काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अशुलियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण को कहा जाता है और मध्य पाषाण युग 10,000 साल पहले के समय को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो खुदाई की गई उसमें जो अवशेष मिले वो इन दोनों समय के बीच के थे। इन दोनों समय के बीच में
जो भी सामान प्रयोग में लिए जाते थे उनके कुछ अवशेष यहाँ खुदाई में मिले हैं। शैलाश्रय नंबर एक की पेंटिंग को 2000 साल पुराना बताया जाता है। इस शैलाश्रय में जो पेंटिंग बनी हुई है वो आप देख ही चुके हैं। इसमें हाथी पे सवार इंसान को दिखाया गया है जो कि शिकार करता हुआ नजर आ रहा है। ये आदिमानव के स्टैचू हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगवाए गए हैं। यहाँ की पेंटिंग अभी तक नहीं मिटी है क्योंकि बारिश का पानी अंदर नहीं आ पाता है। यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप भोपाल राज्य संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। भोपाल स्टेट म्यूजियम में आपको यहाँ से प्राप्त अवशेष देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर खुदाई के कारण एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और इस गड्ढे के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा आदिवासी जीवन शैली की मूर्तियां लगाई गई हैं, जो कि आदिवासी जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, शैलाश्रय नंबर एक और दो को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शैलाश्रय नंबर तीन की ओर। दोस्तों, शैलाश्रय नंबर तीन की बनावट के कारण इसे ऑडिटोरियम भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 39 मीटर की, चौड़ाई 4 मीटर की और ऊंचाई 17 मीटर की है। दोस्तों, शैलाश्रय नंबर तीन में लकड़ी की जो प्लाई बिछाई गई है उसे इसलिए बिछाया गया है कि ये जो आसपास के पहाड़ हैं इन पहाड़ों और इन चट्टानों की दीवारों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और ये मिट्टी के साथ क्षरण ना हो जाए। दोस्तों, इसे ऑडिटोरियम गुफा भी कहते हैं, मतलब कि एक सभागृह जहाँ पर आदिवासियों के जो लीडर होते थे वो सामने बनी चट्टान पे खड़े होकर उन्हें संबोधित किया करते थे। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस गुफा की बनावट के कारण इसे ऑडिटोरियम गुफा भी बोलते हैं, जो कि श्री विष्णु श्रीधर जी के द्वारा ही नाम दिया गया था। दोस्तों, इसी गुफा के अंदर 17 जगहों पे चित्रकारी बनी हुई देखने को मिलती है जो कि 5000 वर्ष पूर्व की बताई जाती है। दोस्तों, अभी आपने ये जो QR कोड देखा है आप इसको स्कैन करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन को वॉइस के माध्यम से भी सुन सकते हैं। दोस्तों, गुफा के अंदर से बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सामने जो चट्टान है उस पर खड़े होकर के आदिवासियों के लीडर अपने समूह को संबोधित करते थे। इस गुफा का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता होगा क्योंकि इस गुफा के अंदर साउंड इको करता है, तो अगर कोई व्यक्ति सामने चट्टान पे खड़ा होकर आवाज लगाएगा तो उसकी गूंज इस गुफा के अंदर आएगी। यहाँ पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस शैलाश्रय के अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है उस पेंटिंग के अंदर जंगली भैंसा, मोर, हिरण, बारहसिंगा और चीते की आकृति बनी हुई है। साथ ही कुछ मानव आकृतियां भी इसमें बनाई गई हैं। साथ ही यहां पर अवतल प्याले भी बने हुए हैं। दोस्तों, इस गुफा के अंदर की ओर बहुत सी सफ़ेद और काली चट्टानें हैं। जो काली चट्टानें हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो अधिक समय तक पानी में रहने के कारण बहुत ही कठोर हो जाती हैं। इन चट्टानों का जो भाग काले रंग का पड़ जाता है वो बहुत ही कठोर होता है। दोस्तों, गुफा नंबर तीन में यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है उसे 5000 साल पुराना बताया जाता है और इस पेंटिंग को लाल गेरुए रंग से बनाया गया है। इस पेंटिंग के अंदर मानव द्वारा पशुपालन को दर्शाया गया है। यहाँ मोर, हिरण और बैल के चित्र बनाए गए हैं। दोस्तों, इन पत्थरों पे जो चित्रकारी की गई है इसके रंग को बनाने के लिए खनिज का इस्तेमाल किया जाता था और उस खनिज में कुछ औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती थी जिससे ये कलर्स बहुत लंबे समय तक टिक जाते थे। दोस्तों, अभी हम गुफा नंबर तीन के अंदर ही हैं और गुफा नंबर तीन में ही बने हुए हैं औनत प्याले। औनत प्याले चट्टानों के अंदर गड्ढे जैसे बने हुए हैं उसे बोला जाता है और इसे लाखों वर्ष पुराना बताया जाता है। दोस्तों, यहीं पास में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो खुदाई हुई थी उसमें से 5.5 फिट का एक मानव कंकाल मिला था और कुछ आदिमानव काल के औजार भी मिले थे जो कि भोपाल स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं। आप वहां जाकर इन हथियारों औजारों को देख सकते हैं। दोस्तों, भीमबेटका की ये सारी गुफाएं कुछ कुछ दूरियों पर बनी हुई हैं, तो हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं जहां पे और भी गुफाएं हमें देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, ये भी एक रास्ता है जो कि गुफा नंबर एक के सामने निकलता है। जब आप सारी गुफाएं घूम लेते हैं तो आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। ये पेड़ लेटा हुआ ही आगे बढ़ रहा है बहुत ही अजीब तरीके से, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये तेंदुपत्ते का पेड़ है जिससे कि बीड़ी बनाई जाती है। रातापानी अभ्यारण्य के इन जंगलों में तेंदुपत्ते के भी बहुत से पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ सागौन के वृक्ष के साथ साथ तेंदुपत्ता भी बड़ी मात्रा में मिलता है।
दोस्तों यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर हमें चट्टानों के बीच से होकर जाना होता है। दोस्तों रातापानी अभयारण्य एक वन क्षेत्र है, अगर आप यहाँ पे टाइगर सफारी के लिए आना चाहते हैं तो ये चीज आपको अक्टूबर नवंबर के मंथ में स्टार्ट होती है, तो आप तब आकर यहाँ पर टाइगर सफारी कर सकते हैं। उस समय जंगल का पूरा क्षेत्र बहुत ही हरा भरा रहता है, चारों तरफ इतनी हरियाली रहती है कि ये जंगल बहुत ही घने हो जाते हैं। दोस्तों रातापानी अभयारण्य का ये वन क्षेत्र सागौन के सुंदर पेड़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, भारतीय तेंदुआ, सोन कुत्ता जिसे कि हम जंगली कुत्ता भी कहते हैं, स्थूल रीछ, धारीदार लकड़बग्घा, गीदड़, लोमड़ी, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, हनुमान लंगूर, रीसस बंदर और भारतीय अजगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कई पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें सागौन, लेम, पलास, आम, अशोक, सीताफल, अर्जुन और बेर के वृक्ष प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ आंवला, रोली और बबूल के वृक्ष भी बहुत हैं। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 1, 2 और 3 आसपास ही बने हुए हैं, जिन्हें हम अभी विजिट करके आ रहे हैं और अब हम आगे की ओर जा रहे हैं बाकी के शैलाश्रय देखने के लिए। बाकी आगे जो शैलाश्रय बने हुए हैं वो सब आसपास ही हैं। ये जो लोग वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं ये वहाँ पे देख चुके हैं शैलाश्रय को, उसके बाद वापस जा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आदिमानव 4 पैरों से चलकर 2 पैरों तक आया और आधुनिक हुआ, उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है जो कि आप यहाँ पर आके आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों सरकार के द्वारा यहाँ पर्यटकों के आने और जाने के लिए बलुआ पत्थरों से सड़क का निर्माण भी किया गया है, जिससे कि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। दोस्तों यहाँ पर आगे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि पहले की आदिमानव काल की जो संस्कृति थी उसमें नृत्य वगैरह किस तरीके से किया जाता था और आज के समय में उस नृत्य को क्या कहते हैं वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा इस वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि किस तरह से चित्रकारी करने के लिए जिस कलर को बनाया जाता था उसमें खनिज के साथ साथ पशु की चर्बी और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पेड़ों के गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि पेंटिंग करने के लिए ब्रश के रूप में ये लोग पेड़ों की टहनियों को इस्तेमाल किया करते थे। इसमें यह भी बताया गया है कि आदिमानव ने पेंटिंग्स को बनाने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग किया हो या फिर कोमल रेशों वाली किसी वस्तु का प्रयोग किया हो। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अलग अलग समय पे अलग अलग जाति जनजाति ने यहाँ पर चित्रकारी की है, तो अभी जो हम गुफा देखने जा रहे हैं उस गुफा में आपको चित्रकारी की 15 लेयर्स देखने को मिलती है। गुफा का एक नक्शा यहाँ पर भी लगाया गया है। दोस्तों अभी जो शैलाश्रय हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें पेंटिंग की 15 लेयर पाई गई है। इसमें एक ही चट्टान के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई है और पेंटिंग्स के ऊपर भी पेंटिंग्स बना दी गई है, जिससे कुछ चित्र वहाँ पे आपको क्लियर समझ में नहीं आते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अभी हम आपको लेकर आ गए हैं शैलाश्रय नंबर 4 के पास, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। शैलाश्रय नंबर 4 के पहले ही एक रास्ता बाकी के जो शैलाश्रय हैं उनकी तरफ जाता है, हम अभी इस रास्ते पे जाएंगे, पर पहले हम शैलाश्रय नंबर 4 को देखेंगे और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। शैलाश्रय नंबर 4 महत्वपूर्ण शैलाश्रयों में से एक है। शैलाश्रय नंबर 4 में 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे पुरानी पेंटिंग्स मानी जाती हैं। दोस्तों इस शैलाश्रय को हाफ सर्कल शैलाश्रय भी कहते हैं, इसे जू रोक नाम श्री विष्णु श्रीधर जी ने दिया था। इसके आगे का क्षेत्रफल 14 मीटर का है और इसकी गहराई 6.2 मीटर है। इसका जो फर्श है जिसपे पेंटिंग की गई है वो जमीन से 3.3 मीटर की ऊंचाई पर है। इस शैलाश्रय का नाम जू रॉक श्री विष्णु श्रीधर जी ने इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर 400 से ज्यादा आकृतियां बनी हुई हैं, जिनमें 16 प्रजातियों के 252 जानवरों का चित्रण किया गया है, जिनमें 90 मानव आकृतियां भी बनी हुई हैं, जो कि अलग अलग क्रियाकलापों को करते हुए दिखाए गए हैं। इनमें शंख लिपि में एक अभिलेख और 90 अन्य आकृतियां बनी हुई हैं। इन सभी आकृतियों को 6वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है। यहाँ पर गेरुए लाल रंग से जानवरों की पेंटिंग बनाई गई है, साथ ही यहाँ पर पेंटिंग में आदिमानव को शिकार करते हुए भी दर्शाया गया है।
दोस्तों यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसे 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स बताया जाता है। यहाँ पर बनी ये पेंटिंग्स 10,000 साल पुरानी होने के कारण भारत की सबसे पुरानी पेंटिंग्स है। दोस्तों आप यहाँ पर लगा हुआ ऑडियो गाइड का QR कोड देख रहे होंगे, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको इस गुफा के इस शैलाश्रय के बारे में ऑडियो के माध्यम से पता चलेगा और इस इंफॉर्मेशन को आप आराम से सुन सकते हैं। दोस्तों आप जो पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसे वर्ली के नाम से जाना जाता है। आपने इस तरह के पैटर्न अपने गांव या घरों के आसपास बने हुए देखे होंगे, जो कि त्योहारों के समय पे बनाए जाते हैं। जैसे कि तीज या किसी अन्य त्योहार पर इस तरह के पैटर्न आज भी घरों में और उनके आसपास बनाए जाते हैं। ये डिजाइन आप मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं, जो कि त्योहारों के समय पे देखने को मिलता है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। व्यू पॉइंट को ऐसा माना जाता है कि आदिवासी यहाँ से खड़े होकर अपनी सुरक्षा के लिए दूर तक देखा करते थे, जिससे उनके कबीलों पर दूसरे कबीले के आदिवासी हमला ना करें। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल टर्टल भी बना हुआ है, एक कछुए का शेप बन गया है चट्टान से ही अपने आप प्राकृतिक रूप से, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ राइट साइड में बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा जिसपे लिखा हुआ है व्यू पॉइंट 30 meters। दोस्तों तो हम लोग भी व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जगह जगह चट्टानों के अंदर से निकले हुए पेड़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाला पेड़ आप देख सकते हो, चट्टान के अंदर से इसकी जड़ें निकल रही हैं। दोस्तों ये पेड़ चट्टानों के अंदर किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, इसकी क्या मैकेनिज्म है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। दोस्तों व्यू पॉइंट पहाड़ी पे होने के कारण नीचे का जो व्यू है बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जो कि मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ। ये जो रास्ता भी आप देख रहे हैं, यहाँ से हम आगे के जो शैलाश्रय हैं वहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आए तो बहुत संभाल के ऊपर चढ़िएगा, क्योंकि ये चट्टाने हैं और अगर आप यहाँ से स्लिप हुए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्तों हमारे आगे आगे थोड़ी सी भीड़ चल रही है तो इस भीड़ को चढ़ जाने देते हैं। यहाँ व्यू पॉइंट पे बहुत कम ही लोग चढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग अभी वेट कर लेते हैं, फिर चढ़ेंगे इसके ऊपर। दोस्तों हम लोग भी व्यू पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ चुके हैं, थोड़ी सी जगह मिली है तो हम आपको खड़े होकर यहाँ से आसपास की चीज़ें दिखा देते हैं। इस रास्ते से अभी हम यहाँ तक आए थे दोस्तों, और सामने रखी हुई आप जो चट्टान देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये टर्टल रॉक कही जाती है। ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बनी है और ये सामने का रास्ता है जहाँ से हम अभी यहाँ पर आए हैं, जो कि शैलाश्रय नंबर 3 से व्यू पॉइंट की तरफ आती है। और दोस्तों यहाँ व्यू पॉइंट पे खड़े होने के बाद आपको पहाड़ के नीचे का जो नज़ारा है वो कैसा दिखता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप चारों तरफ देख लीजिए किस तरीके का व्यू यहाँ से आता है। दोस्तों यहाँ पर खड़े होकर देखने पर आपको अपने लेफ्ट, राइट और बैक के साइड में बलुआ पत्थरों से बनी चट्टानें ही देखने को मिलेंगी और सामने की तरफ आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। दोस्तों अभी थोड़ा सा गर्मियों का सीजन है, इसीलिए आपको आसपास उतनी हरियाली नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब आप बारिश के बाद यहाँ पर आएंगे या बारिश के सीजन में यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। अभी तो यहाँ पर कुछ पेड़ों की पत्तियाँ सूख भी चुकी हैं, इसी तरह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी यहाँ सभी पेड़ों की पत्तियाँ लगभग सूख जाती हैं और फिर बारिश आते ही इन सभी पेड़ों में हरी पत्तियाँ आ जाती हैं। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर बाकी के शैलाश्रयों को देखने के लिए। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है शैलाश्रय नंबर 8, 45 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको इन पत्थरों के रास्तों पे चलते हुए थकान भी महसूस हो सकती है। ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि कहीं पर ऊंचाई है तो कहीं पर इनकी हाइट बहुत ही नीचे है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने तेंदुपत्ते का पेड़ दिखाया था जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टिकर लगा दिया जाता है, इसी तरह के स्टिकर्स कुछ और भी पेड़ों पे लगे हुए यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे देवदार के जो वृक्ष हैं उन पे भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हैं जो जगह जगह मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि बिना मिट्टी के भी यहाँ जड़ें उगी हुई हैं चट्टानों में। दोस्तों क्या आपने भी इस तरह के पेड़ देखे हैं जो कि बिना मिट्टी और पानी के चट्टानों के ऊपर उगे हुए हों? अगर आपने भी इस तरह के पेड़ देखे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किस लोकेशन पे इस तरह के पेड़ देखे हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह की चीज़ मैं भीमबेटका की गुफाओं में ही ज़्यादा देख रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मैंने अभी तक दूसरी जगहों पर नहीं देखी हैं। बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि आपको MP में बहुत सी लोकेशंस पे ऐसी जगह देखने को मिल जाती हैं, तो अगर आप MP के हैं तो आपने ज़रूर ये चीज़ें देखी होंगी, पर अगर आप MP के बाहर के हैं तो क्या आपने ये चीज़ें देखी हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं शैलाश्रय नंबर 8 के पास, जो कि मैं आपको अंदर जाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है इसे शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स क्यों कहते हैं? शैल का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, और आश्रय का मतलब है उसके नीचे रहने वाले या उसके अंदर रहने वाले लोग। तो इन शैलों में आश्रय लिया जाता है, इसीलिए इसे शैलाश्रय कहा जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में रॉक शेल्टर्स कहते हैं। दोस्तों आदिवासी पाषाण युग में इन्हीं शैलाश्रयों का आश्रय लेते थे, और ये शैलाश्रय ही उनका घर हुआ करते थे, और जंगली जानवरों और जंगल के फलों को वो अपना आहार बनाते थे। दोस्तों सामने देखने पे आपको लग रहा होगा कि ये संकरी सी जगह है, लेकिन इसके बाहर बहुत बड़ी सी जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और रॉक शेल्टर है, शैलाश्रय है, जो आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरह का व्यू है। दोस्तों यहाँ पे कैव्स जैसी बनी हुई बहुत सी जगह है, जहाँ पे एंटर करते टाइम आपको बहुत ही एक्साइटमेंट फील होने वाली है। दोस्तों अंदर एंटर होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जगह है, और अभी हम लोग दो बड़ी चट्टानों के बीच में हैं, और दोनों ही चट्टानों में रॉक शेल्टर्स बनी हुई हैं। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 8 के सामने ही यहाँ पर एक चित्रकारी बनी हुई है, जिसमें कि सैनिकों को युद्ध पर जाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर इन चित्रों को लाल गेरुए रंग से बनाया गया है, साथ ही इस चित्र में शिकार करते हुए व्यक्ति को भी दिखाया गया है। यहाँ पर जिस जानवर का शिकार दर्शाया गया है वो तेंदुआ है, और यहाँ सभी सैनिकों के हाथों में तलवारें दिखाई गई हैं, जो कि घोड़े के ऊपर सवार हैं। दोस्तों इन रॉक शेल्टर्स में जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स जिस कलर में बनाई जाती हैं वो वाइट कलर माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो वाइट कलर की पेंटिंग्स बनी हुई थी, आदिवासियों ने उस वाइट कलर की पेंटिंग को बनाया था, उसके बाद जो उनकी जनरेशन्स आई उन्होंने उसी पेंटिंग के ऊपर ये लाल रंग किया था। दोस्तों अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं शैलाश्रय नंबर 8 को, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप यहाँ पर आकर आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 8 एक छोटी सी गुफा है, इसकी जो ऊंचाई है वो 6 फीट की बताई जाती है, और इस गुफा के अंदर जो पेंटिंग बनी हुई थी उसमें सैनिकों को कवच पहने हुए युद्ध में जाते हुए दिखाया गया था, जो कि समय के साथ अभी धूमिल हो गई है। दोस्तों अगर आप इस गुफा में एंटर करते हैं तो एंट्री पॉइंट पे ये गुफा बहुत छोटी दिखती है, लेकिन अंदर से इसकी जो हाइट बताई जाती है वो 6 फीट की बताई जाती है, और सामने इस गुफा का मुंह दूसरी तरफ खुलता है। इस गुफा की छतों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी, लेकिन अभी समय के साथ वो मिट चुकी हैं। इस गुफा के अंदर दिन के समय में भी काफ़ी अंधेरा रहता है, ऐसा बताया जाता है कि गर्मियों के मौसम में ये गुफा बहुत ही ठंडी रहती है, और ठंडियों के मौसम में ये गुफा गर्म रहती है। दोस्तों इस गुफा के अंदर जाने के लिए आपको झुककर अंदर एंटर करना होता है, और ऐसे ही आपको बाहर भी आना पड़ता है। आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ ये गुफा कैसी है, कितनी संकरी है, जिसमें आपको झुक के जाना पड़ता है, आप देख सकते हो बाहर से। दोस्तों ये गुफाएं आदिवासियों का घर हुआ करती थी, जिसमें वो बारिश और गर्मियों से अपना बचाव करने के लिए रहते थे। भीषण गर्मी और भारी बारिश से बचने के लिए वो इन्हीं शेल्टर्स का सहारा लेते थे। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 100-200 की संख्या में नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में आदिवासी यहाँ रहा करते थे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की चट्टानों की छांव में आदिवासी रहा करते थे। अंदर से चट्टानें बहुत ही चिकनी है, और इन्हीं चट्टानों के नीचे आदिवासियों के घर हुआ करते थे, उनके रहने का यही स्थान था। दोस्तों अभी हम लोग जिस शैलाश्रय पे खड़े हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी की जाती है, क्योंकि इस शैलाश्रय का जो व्यू है बहुत ही प्यारा व्यू है। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 8 को देखने के बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर बना हुआ है शैलाश्रय नंबर 9। तो अभी हम लोग शैलाश्रय नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको शैलाश्रय नंबर 8 की तरह ही संकरी सी गुफा के अंदर झुक के जाना होता है। शैलाश्रय नंबर 9 गुफा के अंदर नहीं है, लेकिन जो एंट्री गेट है उस शैलाश्रय नंबर 9 के लिए वो एक गुफा की आकृति लेती है, इसीलिए वो गुफा की तरह दिखाई देती है। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, ये गुफा की तरह दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही हमें एंटर होना है। इन दोनों गुफाओं के बीच से हमें संभल के निकलना होगा, जिससे हमें किसी भी तरह की चोट ना लगे। तो दोस्तों अभी हम लोग इन दोनों चट्टानों के बीच से होकर आ चुके हैं गुफा नंबर 9 के पास, या फिर शैलाश्रय नंबर 9 के पास, और यहाँ पर शैलाश्रय नंबर 9 से जुड़ी हुई जानकारी लिखी हुई है। इसमें ये लिखा गया है कि इस शैलाश्रय में लाल गेरुए रंग के अलावा सफ़ेद रंग और पीले रंग तथा हरे रंग का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये एक लौता शैलाश्रय है, जहाँ पर लाल गेरुए रंग और सफ़ेद रंग के साथ में पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर हाथी को सफेद रंग से बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। हाथी के साथ साथ यहाँ पर सफेद रंग से घोड़े का चित्र भी बनाया गया है। इसे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भी बताया जाता है। यहाँ पर पीले रंग का ये फ्लावर पॉट भी बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है वो सम्राट अशोक के समय की चित्रकारी है, जिसमें पीले रंग का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बनाया गया था। इसमें पीले रंग का एक फ्लावर पॉट भी है जिसमें पत्तियां फूल लगे हुए हैं। पीले रंग के फ्लावर पॉट के पास ही आपको पीले रंग में कुछ फलों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। फ्लावर पॉट में जो पत्तियां हैं वो भी सफ़ेद और पीले रंग के मिश्रण से बनाई गई हैं। तो अभी आपने शिलाश्रय नंबर 9 देख लिया है और इसकी डिटेल्स को भी अच्छे से जान लिया है, और अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं जहाँ पर है शिलाश्रय नंबर 10। और यहाँ पर शिलाश्रय नंबर 10 के बारे में जानकारी लिखी हुई है जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी हुई थी वो अब समय के साथ धुंधली पड़ चुकी हैं। इनमें कुछ पेंटिंग्स क्लियर दिखाई देती हैं, जिनमें एक मोर की पेंटिंग है। साथ ही इसमें एक व्यक्ति को भी दिखाया गया है जिसने अपने हाथ में तलवार ले रखी है। साथ ही इस पेंटिंग के अंदर एक हिरण दिखाया गया है और 8 ढोल बजाते हुए लोगों को दर्शाया गया है, जो कि काफी हद तक धुंधली हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप सामने जो पेंटिंग देख रहे हैं वो तलवारधारी व्यक्ति की पेंटिंग है, और इस पेंटिंग के ठीक ऊपर 8 व्यक्तियों की ढोल बजाते हुए पेंटिंग बनी हुई है। दोस्तों अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं अगले शिलाश्रय की तरफ। दोस्तों मैं साथ ही आपको हर शिलाश्रय के आसपास का जो व्यू है वो भी दिखाता जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आसपास के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में शिलाश्रय नंबर 11 और 12 बने हुए हैं, तो हम आपको उस तरफ ले के चलेंगे शिलाश्रय नंबर 11 और 12 की ओर। दोस्तों यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ था इसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ था कि भीमबेटका रातापानी अभ्यारण का एक प्रमुख अंग है और यहाँ पे कौन कौन से जानवर मौजूद हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ शिलाश्रय नंबर 11 की ओर। दोस्तों यहाँ भीमबेटका के आसपास के जंगलों और पेड़ों को देख के ऐसा लगता है कि जब बारिश में यहाँ पर हरियाली आती है तो उस समय पे ये जगह कितनी घनी हो जाती होगी। ये पूरा एक वन क्षेत्र है जो कि अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता होगा बारिश के समय पर, और उस समय पर जब ये जंगल घने हो जाते हैं तो जानवरों की मूवमेंट भी यहाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है। अभी भी आप यहाँ पर आसानी से अपने आसपास बंदरों को देख सकते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं शिलाश्रय नंबर 11 के पास, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों शिलाश्रय नंबर 11 में जो पेंटिंग की गई है उसको मेनली वाइट रंग से सफ़ेद रंग से ही बनाया गया है, लेकिन उसके ऊपर लाल रंग की ओवरलेपिंग भी की गई है। इसमें युद्ध का चित्रण किया गया है जिसमें अलग अलग सैनिकों के समूह बताए गए हैं। दोस्तों आप जैसे जैसे अलग अलग शिलाश्रयों की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पर मानव सभ्यता के उन्नत होने के सबूत मिलते जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर युद्ध के भी कई चित्र देखने को मिलते हैं जो कि गुप्त और शुंग वंश के समय के हैं। दोस्तों लेकिन अब यहाँ पर बने हुए चित्रों का रंग धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। भीमबेटका की शिलाश्रय को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। भीमबेटका के ये रॉक शेल्टर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी भीमबेटका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों अभी हम लोगों ने रॉक शेल्टर 11 देख लिया है और अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको 12 हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम यहाँ से आगे की तरफ जाके आपको आगे जो शेल्टर से वो दिखा देते हैं। दोस्तों रॉक शेल्टर 11 से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ रास्तों के बीच में लगे हुए ये पेड़ बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। आप इनसे होते हुए आगे की तरफ जाते हैं और साथ ही आपको आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों इन बड़ी बड़ी चट्टानों की जो पोजीशनिंग है उस पोजीशन को देख के आपको कभी कभी ये भी लग सकता है कि इन चट्टानों को किसी ने अपने हिसाब से यहाँ पर जमाया है। जैसा अभी आपने टर्टल रॉक देखी थी, कछुए वाली जो चट्टान थी उसे भी ऐसा लग रहा था कि चट्टान के ऊपर ही रख दिया गया है। जो टर्टल रॉक थी वो एक बड़े से चट्टान के ऊपर रखी हुई थी। यहाँ आसपास बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े भी नीचे पड़े हुए हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं आसानी से। दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस शिलाश्रय की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने शिलाश्रय नंबर 7 को छोड़ दिया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिलाश्रय नंबर 7 को देखने के लिए जो कि शिलाश्रय नंबर 8 के पीछे की ओर था।
वैसे हमें जाना शिलासर नंबर 7 में था पहले, लेकिन हम लोग गुफा को देखकर पहले शिलासर नंबर 8 में ही एंटर कर गए। शिलासर नंबर 8 की ये दो बड़ी चट्टाने आप लोग देख रहे हैं, जिससे हम लोग अभी विजिट करके आए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं शिलासर नंबर 7 की ओर। दोस्तों एक चीज तो यहाँ पर बहुत सही है, यहाँ किसी किसी जगह पर पूरी शिलाश्रयों का मैप दिया गया है, और आप जिस भी शिलाश्रय पे हैं उसको येलो कलर से पॉइंट आउट किया गया है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि आप किस शिलाश्रय पे हैं, और आप यहाँ से किसी भी रास्ते पे जाएंगे तो कौन से शिलाश्रय तक पहुँचेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे एक झाड़ी है जो कि चट्टानों के ऊपर एक गेट की तरह फैली हुई है, जो कि मैं आपको पास से ले जाकर दिखाता हूँ। इस झाड़ी से एक छत की तरह बन गया है छोटा सा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये सामने दूसरे पेड़ के ऊपर जाकर खत्म हुई है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं रॉक शेल्टर नंबर 7 के पास, और यहाँ पर जो चित्रण किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तलवारधारी व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। दीवार की निचले सिरे पे 6 चित्र बनाए गए हैं जो कि घुड़सवार सैनिकों के हैं। यहाँ घुड़सवारों के जो 6 चित्र बने हुए हैं उनमें से जो तीसरे नंबर का चित्र है उसे बाकी के चित्रों से कुछ बड़ा बनाया गया है। आपको इस गुफा के अंदर अधिकतर युद्ध के ही चित्र देखने को मिलते हैं। अलग अलग समय अवधि में जो भी सभ्यताएं यहाँ पे रही हैं उन्होंने उस समय की जो फेमस चीज़ें थीं, फेमस वॉर्स थे, उनका चित्रण यहाँ पर किया है। इस पेंटिंग में ऐसा लगता है कि दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है, और यहाँ साइड में जो पेंटिंग बनी हुई है उसमें 6 घुड़सवार बनाए गए हैं, जिसमें से तीसरे नंबर के घुड़सवार को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पत्थरों पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर बनी हुई पेंटिंग सफ़ेद रंग से बनी हुई है जो कि बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। दोस्तों भीमबेटका के कई शिलाश्रयों के अंदर पेंटिंग्स मिट चुकी हैं, लेकिन कुछ शिलाश्रय ऐसे हैं जहाँ पर पेंटिंग आज भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, और ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग्स हजारों साल तक और चल सकती हैं। हजारों साल के बाद क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो पेंटिंग्स अभी क्लियर दिखाई दे रही हैं ये भी धुंधली पड़ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर बाकी की पेंटिंग्स धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। दोस्तों शिलाश्रय नंबर 7 के बाद हम आपको लेके चल रहे हैं शिलाश्रय नंबर 6 को दिखाने के लिए। दोस्तों शिलाश्रय नंबर 6 शिलाश्रय नंबर 7 से लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही है। आप इसी रास्ते पे सीधा जाएंगे तो आप शिलाश्रय नंबर 6 तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये रॉक शेल्टर एक बड़ी सी चट्टान के नीचे बनी हुई है, और इसमें बनी हुई पेंटिंग बहुत ही क्लियर दिखाई देती है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों शिलाश्रय नंबर 6 की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 सतहों में पेंटिंग की गई थी, क्योंकि निचली सतह पर, मिडिल वाली सतह पर और ऊपरी सतह पर पेंटिंग यहाँ पर की गई थी, लेकिन निचली सतह की जो पेंटिंग है अभी वो मिट चुकी है। अभी जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें डांस करते हुए लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पेंटिंग के माध्यम से ये बताया गया है कि आदिवासी लोग अपने मनोरंजन के लिए डांस किया करते थे। यहाँ बनी हुई पेंटिंग में एक इंसान को ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है, और बाकी के लोगों को आपस में हाथ पकड़ के डांस करते हुए दिखाया गया है। इस डांस को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इन्हें अलग अलग स्थानों पर कर्मा, बिहू और संथाल नाम से जाना जाता है। इस शैलाश्रय में ऊपर की ओर और भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिनमें गाय, बैल और अन्य जानवर बने हुए हैं। ये पेंटिंग्स 5000 साल पुरानी बताई जाती हैं। दोस्तों शिलाश्रय नंबर 6 से अगर आप सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप शिलाश्रय नंबर 3 के रास्ते पे चले जाएंगे। मैं आपको आगे इसी रास्ते पे ले जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये शिलाश्रय नंबर 3 के रास्ते पे मिल जाता है जाकर। साथ ही इस रास्ते के बीच में जो जंगली पेड़ हैं और ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसी तरह के पत्थरों से बने हुए सड़क पर अपना रास्ता तय करना होता है। इसी तरह के ऊंचे नीचे रास्तों पे चलने के बाद आप काफ़ी हद तक थक जाते हैं, लेकिन आपके पैरों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों आप सामने जो एक चट्टान देख रहे हैं ये एक तवा के शेप में है, जो घर में हम लोग तवा यूज़ करते हैं ये उसकी तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चट्टानें अपने आप ही प्राकृतिक रूप से अलग अलग शेप में आ गई हैं, जो कि देखने में बड़ी ही विचित्र लगती हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से आगे 2-4 कदम जाते ही आपको शिलाश्रय नंबर 3 का रास्ता मिल जाता है, और आप वापस से शिलाश्रय नंबर 3 पे पहुँच जाते हैं। लेकिन हमने शिलाश्रय नंबर 3 को पहले ही विजिट कर लिया है, तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम यहाँ से वापस शिलाश्रय नंबर 12 की तरफ लौट रहे हैं।
दोस्तों यहाँ से लौटते वक्त आपको आसपास का जो व्यू देखने को मिलेगा वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको इन रॉक शेल्टर्स के आसपास का व्यू कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रॉक शेल्टर 8 के पीछे की तरफ और 7 के सामने यहाँ पर एक शेल्टर है जिसमें कि जानवरों की कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर बनी हुई आकृतियों को सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इनमें से कुछ आकृतियाँ क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन कुछ समय के साथ मिटती जा रही हैं। इस शैलाश्रय में जो आकृति बनी हुई है उनमें मानव के चित्र को दिखाया गया है, साथ ही यहाँ पर हिरण और अन्य जानवरों के चित्र को भी प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं शैलाश्रय नंबर 12 के पास, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 12 शैलाश्रय नंबर 11 से 50 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 12 से आगे 15 या 16 में जो पेंटिंग बनी हुई है यहां पर की गई चित्रकारियों में क्लियर दिखने वाली पेंटिंग्स में से एक है। ये पेंटिंग्स आज तक सुरक्षित हैं। ये पेंटिंग अभी तक कैसे बची हुई है और इस पेंटिंग के बचने का मेन कारण क्या है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अभी दिन के समय पर भी यहां इतनी शांति है और वो इसलिए है क्योंकि ये जंगल का क्षेत्र है और अगर आप यहां जब चलते हैं तो आपको अपने ही पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों अगर आप शहर की भागदौड़ से कहीं दूर शांति वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो भीमबेटका आपके लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। आप यहाँ पर वीकेंड्स में आकर आराम से घूम सकते हैं। हम लोग शैलाश्रय नंबर 12 के पास आ चुके हैं और शैलाश्रय नंबर 12 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस शैलाश्रय में जो चित्र बनाया गया है उसमें एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसों का चित्र है और दूसरी तरफ दौड़ती हुई नील गायों का चित्र बनाया गया है, साथ ही यहाँ पर दौड़ते हुए चीतलों का चित्रण भी किया गया है। यहाँ पर चीतलों का जो चित्रण किया गया है उसमें चीतल को ऊंची चट्टानों से नीचे की ओर कूदता हुआ दिखाया गया है जो कि देखने में बहुत ही दिलचस्प लगता है। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 12 में बनी हुई पेंटिंग्स का भी कलर हल्का सा उड़ गया है जो कि आप देख सकते हैं। इसे सफ़ेद और लाल गेरुए रंग से बनाया गया है। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 12 को देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं शैलाश्रय नंबर 15 की तरफ जो कि शैलाश्रय नंबर 12 से 45 मीटर की दूरी पर बनी हुई हैं। यहाँ तक जाने के लिए भी आपको दो चट्टानों के बीच से होकर निकलना होता है। दोस्तों आपको शैलाश्रय नंबर 15 की तरफ जाते समय इसी तरह के पत्थर के बने रास्तों पे से होकर जाना होता है। आपको शैलाश्रय नंबर 15 तक पहुँचने के पहले ही शैलाश्रय नंबर 13 मिल जाता है। आप यहाँ पर शैलाश्रय नंबर 13 की पेंटिंग को देख सकते हैं। ये शैलाश्रय नंबर 12 की वो जगह है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं और यहाँ सामने बना हुआ है शैलाश्रय नंबर 13। दोस्तों यहाँ पे शैलाश्रय नंबर 13 के विषय में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है जो कि मैं आपको अभी पढ़ के बताने वाला हूँ। दोस्तों इस शैलाश्रय में जंगली सुअर का चित्रण किया गया है। इस शैलाश्रय में 5 से 6 व्यक्तियों के द्वारा जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग को गेरुए लाल रंग से यहाँ पर बनाया गया है जिसका रंग समय के साथ साथ हल्का पड़ता जा रहा है। साथ ही यहाँ पर शैलाश्रय नंबर 15 के बारे में भी जानकारी दी गई है जो कि भीमबेटका की सबसे प्रसिद्ध शैलाश्रय मानी जाती है। यहाँ पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शैलाश्रय नंबर 15 में जो पेंटिंग की गई है वो इन चट्टानों में की गई पेंटिंग्स में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। दोस्तों लेकिन जो शैलाश्रय नंबर 13 में पेंटिंग है उसमें सिर्फ सुअरों का शिकार करते हुए कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है जो कि मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पेंटिंग इस चट्टान में ऊपर की ओर बनी हुई है जो कि आप अभी देख सकते हैं। दोस्तों इन पेंटिंग्स का लाल रंग समय के साथ हल्का पड़ चुका है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पेंटिंग्स उतनी क्लियर नहीं बनी हुई है। दोस्तों अब यहाँ से आगे हम आपको लेके चलते हैं शैलाश्रय नंबर 15 की तरफ जो कि भीमबेटका की सबसे फेमस कैव है। दोस्तों इस शेल्टर कैव के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम लोग शैलाश्रय नंबर 15 के पास तो आ गए हैं लेकिन हमारा एक शैलाश्रय अभी छूट रहा है जो कि है शैलाश्रय नंबर 14। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जिसका ध्यान आप रखिएगा जब भी आप यहाँ पर आएँ। दोस्तों आप कुछ व्यक्तियों को देख रहे हैं जो कि शैलाश्रय के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसे काम यहाँ पर आकर नहीं करना है, इससे आपको चोट लग सकती है। यहाँ पर शैलाश्रय नंबर 15 के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस शैलाश्रय में बनी हुई पेंटिंग बहुत ही पुरानी पेंटिंग बताई जाती है और इसका कलर अभी तक नहीं उड़ा है। इसका कलर ना उड़ने की वजह यह है कि ये शैलाश्रय एक मशरूम की आकृति में दिखाई देता है जिसके कारण बारिश का पानी चित्रों तक नहीं पहुंच पाता है।
इस शैलाश्रय में जो चित्र बनाए गए हैं वो जमीन से 9.85 मीटर की ऊंचाई पर बनाए गए हैं। ये शैलाश्रय एक विशालकाय वाराह यानी कि जंगली सुअर के चित्र के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिखी हुई जानकारी के अनुसार इस विशालकाय जानवर की 2 सींगे और एक बड़ी सी नाक है। इसकी इस तरह की आकृति को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक काल्पनिक पशु है। इस चित्र के सामने की ओर एक केकड़ा बना हुआ है और चित्र के पैर के पास एक भैंसे का चित्र बना हुआ है जिसका मुंह दूसरी तरफ है। इसके अलावा यहाँ पर मानव और पशुओं की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ पर बनी हुई पशु आकृतियों में भैंस, गाय, गेंडा और लंगूर प्रमुख रूप से अंकित किए गए हैं। तो अभी हमने आपको बताया शैलाश्रय नंबर 15 की इन्फॉर्मेशन को। इसके ठीक पीछे है शैलाश्रय नंबर 14 जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। दोस्तों शैलाश्रय नंबर 15 पे बनी हुई सुअर की इस आकृति को मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यहाँ से क्लियर व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको इस पेंटिंग में इस जानवर की 2 पतली सींगे दिखाई दे रही होंगी और एक लंबी सी नाक जो कि पैरों तक नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके नाक से लगी हुई एक मानव की आकृति बनी हुई है और इसके नाक के ठीक सामने की तरफ एक केकड़े की आकृति बनी हुई है जिसका कलर थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। ऊपर की ओर आप जो छत्र देख रहे हैं ये चट्टान से ही बना हुआ है और इसने इस चित्र को अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, इसीलिए इसे मशरूम शैलाश्रय भी कहते हैं। इस शैलाश्रय की मशरूम जैसी आकृति होने के कारण इसके अंदर बने हुए चित्र बारिश के मौसम में भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों यहाँ से आगे हम आपको लेके चलते हैं अब शैलाश्रय नंबर 14 की तरफ और शैलाश्रय नंबर 14 से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश का पानी चट्टानों की जिस जगह से बहता है उस जगह पे सफ़ेद रंग की धारियाँ बन गई हैं। शैलाश्रय नंबर 15 की चट्टानों पे ये धारियाँ सबसे अधिक हैं, लेकिन शैलाश्रय नंबर 15 की जो चित्रकारी बची हुई है वो उसके शेप के कारण ही बची हुई है। शैलाश्रय नंबर 15 के ठीक सामने ही जंगल देखने को मिलता है और यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे शैलाश्रय नंबर 14 की तरफ। अभी आप लोग ये जंगल का व्यू देख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये ऐसा है तो सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में ये किस तरह का होता होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पेड़ों पर बंदर भी हैं जो कि उछल कूद कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी यहाँ तक सुनाई दे रही है। दोस्तों मैं आपको इस शैलाश्रय का 360 व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये शैलाश्रय किस तरह का दिखाई देता है क्योंकि ये जंगल के ठीक सामने है। और यहाँ से आगे हम लोग शैलाश्रय नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे बलुआ पत्थर से बनी हुई ये चट्टानें बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। दोस्तों हमारे लेफ्ट साइड में 2 मीडियम साइज की चट्टानें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर एक चट्टान के अंदर बीच में एक छोटा सा होल है जो कि मैं आपको अभी पास से ले जाकर दिखाता हूँ, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। चट्टानों में ये आकृतियाँ अपने आप प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं। जब आप इतने बड़े चट्टान के अंदर एक इस छोटी सी चीज़ को देखते हैं तो आपको ये चीज़ देखने में बहुत ही यूनिक लगती है। और इसी के पार है शैलाश्रय नंबर 14, लेकिन हम लोग इसके अंदर से निकल के नहीं जा सकते तो हमें घूम के जाना पड़ेगा। अभी हम लोग आए हैं शैलाश्रय नंबर 14 के पास और ये उसके आसपास का व्यू है जो आप देख रहे हैं। ये शैलाश्रय चारों ओर से चट्टानों से घिरा हुआ है, साथ ही शैलाश्रय के पास कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस शैलाश्रय का रंग अभी हल्का पड़ चुका है, पर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस शैलाश्रय में एक मरे हुए सुअर को ले जाते हुए दिखाया गया है जिसमें मानव आकृतियों ने अपने हाथों में धनुष और बाण धारण किया हुआ है। इस शैलचित्र में 2 मानव आकृतियों को हाथी की सवारी करते हुए दिखाया गया है और 11 मानव आकृतियों का एक दल शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी भीमबेटका की कंप्लीट जर्नी जो कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब हम लोग भीमबेटका से निकल रहे हैं, तो भीमबेटका से बाहर की ओर जाते वक्त हम पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। पहाड़ी से नीचे उतरते समय कैसा व्यू दिखाई देता है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों भीमबेटका में बहुत से लोग सनसेट देखने के लिए भी आते हैं, तो अगर आप शाम के टाइम यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक के सनसेट देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग भीमबेटका से नीचे की ओर नहीं उतर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं भीमबेटका से आगे की तरफ। भीमबेटका से लगभग 500 मीटर आगे जाने पर बना हुआ है माता रानी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है तो हम आपको मंदिर के बाहर तक का ही व्यू दिखा पाएंगे, उसके अंदर अगर आप जब भी आए तो आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। इस जगह के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है,
तो इसीलिए हम आपको इस वीडियो में इस जगह के बारे में बता रहे हैं। मंदिर के पास भी आपको बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती हैं और मंदिर के अंदर कुछ मूर्तियां ऐसी भी रखी हुई हैं जो कि हजारों साल पुरानी बताई जाती हैं। दोस्तों अभी आप लोग इन बड़ी बड़ी चट्टानों का बहुत ही शानदार व्यू देख पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग मंदिर के मेन गेट पे आ गए हैं, अब हम लोग करेंगे दर्शन और आप लोग लीजिए टाइम लैप्स का मजा।